जय श्री राधे। यहाँ से जय जय बोला जाए, श्री बोला जाए, तो आप राधे राधे बोले। जय श्री राधे। ये घूम गए, घूम गए, बढ़ते रह रहे हैं। एक बार जोर लगा दो, काय को बंद आगे कर लो। हम जाके हम यहाँ कहेंगे कि वहां तो महाराज जी पूरी जयकार कर रहे हैं। ऐसा जाके तो बात है। जय जय श्री राधे। जय जय सारे रहवासी भगवान के लिए, परमात्मा के लिए अपना सारा वैभव, सारी संपत्ति सब कुछ छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि जो हो गया हरि का, उसे किसी की बर्बादी नहीं होती। जो भगवान को अपना मान लेता है ना, वो दुनिया को भी छोड़ने में ज्यादा टाइम लगाता है। भगवान को जिसने अपना मान लिया, ब्रजवासी कैसे है? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, सब कुछ अपना भगवान को मान लेते हैं। सब लोग आगे वृंदावन, अभी नए नए वृंदावन में आए, जानकारी नहीं। आज जैसे गोचरण के लिए गए तो वत्सासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। आगे ब्रजवासी के साथ अपने सखाओ के साथ पहुंचे तो वटासुर नाम का राक्षस कष्ट ने भेजा, ठाकुर जी ने उसको भी मार दिया। आज सारे ब्रजवासी ग्वालवाल कन्हैया के साथ गोचरण करने आए, गौ माता की सेवा करने आए। क्यों? नाम क्या है? गोपाल। नाम है ना गोपाल। गोपाल का मतलब क्या? देखिए पहले के जमाने में ऐसे नाम होते थे कि नाम से उस व्यक्ति का काम पता चलता था कि इसका काम क्या है। जो नाम होगा यथा नाम तथा गुणम, जैसा नाम वैसे गुण। आजकल क्या है? नाम है सत्यवादी, बोलता दिन में सौ बार छठ। नाम जैसा हो उसके गुण होना चाहिए। तो भगवान का एक नाम है गोपाल। गोपाल गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान के नाम तो भागवत जी में आए हैं, नारद जी तो बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारे जी नामानि मोर वरंती। हे ठाकुर जी, जो आपका ये नाम लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान स्वयं गोपाल बनकर आए हैं, गौ माता को चरा रहे हैं। सारे ब्रजवासी क्या किए? आज एक और राक्षस आया, नाम है अघासुर। अघासुर का मतलब अघ मने होता है पाप। अघ मने पाप। कंस ने सोचा अब एक काम करते, बहुत भेज दी, अब पाप को भेजते हैं। देखो धार्मिक व्यक्ति को, पूजा करने वाले को, पाठ करने वाले को, कथा सुनने वाले को पाप ही कमजोर कर सकता है, पुण्य नहीं। अच्छा व्रत करने वाला हो, पूजा करने वाला हो, धर्म करने वाला हो, तो पाप अपनी ओर बार बार खींचता है। मत जाओ कथा में, क्यों जाते हो कथा में? मन में पाप आया और धर्म से हम वंचित रह जाते हैं। तो अघासुर यहाँ भी आ गया है। अघासुर किस रूप में आया? अजगर के रूप में आया। 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो गया, अपने मुंह को खोल लिया, ऊपर वाला हिस्सा आकाश में, नीचे वाला हिस्सा पृथ्वी में। ऐसा लगता है मानो बहुत सुंदर रेड कलर की कालीन बिछी हुई हो। सारे ब्रजवासी क्या किए? एक एक करके बोले बड़ा सुंदर गुफा है, बड़ा सुंदर पहाड़ है, पर्वत है, गुफा है। संत होंगे, मुनि होंगे, महात्मा होंगे, घुस गए। भगवान ने कहा मत जाओ भैया, मत जाओ। राक्षस बोले कन्हैया तू तो है ना, क्योंकि भगवान में इतना विश्वास हो कि हमारे भगवान हमारे साथ है। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। शरण में रख दिया जब मात, चरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम किस बात की दिन रात में चिंता, हमारे साथ श्री भगवान हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। कोई चिंता मत करिए, और चिंता कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? हुई है सोई जो राम रच रखा, होगा तो वही जो आखिरी में परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होगा। हाँ, हमारे भाग्य में कुछ अमंगल लिखा हो, कुछ कष्ट लिखा हो, भक्ति से उसे हम दूर कर सकते हैं, ये जरूरी। तो क्या करें? ज्यादा चिंता ना करें। क्या होगा? जो होगा वो होगा, पर आज हम अपना अच्छा बना लेंगे। सभी लोग चले गए तो भगवान बोले नहीं मत जाओ भैया, राक्षस है,
भगवान ने कहा मेरे भक्ति जब पाप में प्रवेश कर गए तो मुझे जाना पड़ेगा। और स्वयं परमात्मा गए, जैसे ही भगवान गए तो उसने मुख को बंद कर दिया। तो भगवान कैसे है, अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान चींटी जितना बनना चाहते हैं तो हाथी जैसा पहाड़ जैसा बनना भी भगवान जानते हैं। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, उसका प्राणांत हो गया, पर सब लोग मर गए। कौन? सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान ने क्या किया, मुरली बजाई, और जैसे ही कन्हैया ने मुरली बजाई सबके सब जीवित हो गए। भगवान ने कहा एक साथ भोजन करेंगे, सब लोग एक साथ बैठ गए, सबने कुछ ना कुछ लाया, पर भगवान का एक मित्र है, नाम है मधुमंगल। मधुमंगल कौन है, ब्राह्मण है। तो भगवान ने कहा मधुमंगल तुम कुछ नहीं लाए। मधुमंगल बोला कन्हैया अभी लेकर आता हूं। मधुमंगल अपने घर गया तो उसके घर में कुछ भी नहीं। माँ से बोला माँ कन्हैया ने सबके सामने मुझसे कुछ मांगा है। माँ बोली हम स्वयं गरीब है, स्वयं कन्हैया क्या भोजन करते हैं, एक काम करो परसों में कढ़ी बनाई थी ले जाओ। तो मिट्टी की मटकी में कढ़ी लेकर आया वासी, और कन्हैया वहां इंतजार कर रहे हैं। गया रास्ते में बेचारा या मेरे कन्हैया मक्खन खाते, मिश्री खाते, दूध खाते, दही पीते, ये खट्टी बासी कढ़ी क्या खाएंगे। और स्वयं कढ़ी पी गया। भगवान के सखा बोले देखो कन्हैया क्या हो रहा है, गया था तुम्हारे लिए लेने को ला नहीं पा रहा, स्वयं पी गया, कुछ कढ़ी बह गई थी। तो भगवान बोले मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान गए और मधुमंगल के पास जाकर के भगवान ने मधुमंगल की बही हुई कढ़ी को चाटना शुरू कर दिया। श्री ठाकुर जी पूरी कढ़ी चाट गए। क्यों, भगवान कौन है, भक्त वत्सल दीन वत्सल दीनानाथ कृपालु है भगवान। भगवान जो चाहते हैं, जो संकल्प कर लेते हैं पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा है भगवान कैसा भगवान है, झूठी कड़ी खाता तो सबको ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया। ग्वालाल बछड़े बोले रोएगा रोएगा तो ले लेंगे, नहीं दिए तो ब्रह्मा भगवान ने क्या किया, भगवान ने आंखें बंद की और जितने भी ग्वालाल सखा थे गौ माता थी सबके रूप बना लिए। यावत वत्सन वत्स वत्सम यावत राधा, भगवान ने इतने रूप बनाए और एक साल तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी को जब ये हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, भगवान से क्षमा मांगने आए तो भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्म लोक पहुंच गए। और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी कभी भी मेरे भक्तों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे पूजा करने वालों को, मेरे धाम में रहने वालों को परेशान मत करना। मेरा अपराध कर लोगे, मुझसे गलती करोगे क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्तों का अपराध करोगे तो क्षमा नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए। भगवान ने जब कुछ बोला नहीं तो ब्रह्मा जी वापस चले गए। एक साल बाद ग्वालवाल बोले भैया आज तेरे कन्हैया ने बहुत बड़े अजगर को मारा है, एक साल की घटना एक साल बाद जाकर बताए। सुखदेव जी कहते हैं राजा ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। जय जय श्री राम, जय जय। तो भगवान सो नहीं पाए, नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई, जब चिंता होती है अपनों की, जब टेंशन होती है अपनों की तो भी नींद नहीं आती, जब ज्यादा खुश होते तब भी नींद नहीं आती, और जब भूख लगी हो तब भी नींद नहीं आती, भूख हो तो तब भी नींद नहीं आती। आज भगवान सो नहीं पाए क्यों, भगवान ने सोचा मेरे भक्त मेरे ग्वालवाल मेरी गौ माता काली में जाती है, यमुना में जाती है, वहां जाकर जहर वाला पानी पीती ही मर जाती है, सुबह जाऊंगा कल यमुना सफाई अभियान शुरू करूंगा। कल क्या करूंगा, यमुना जिसे काली नाग तो बनाएंगे। भगवान ने प्रातः काल उठे, बोले मैया आज गैया चराने नहीं जाएंगे, और भगवान अपने ग्वाल बालों को लिए, सखाओं को लिए, और बलराम जी को नहीं ले गए, बोले दाऊ जी ना 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 आपके साथ आज हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ हम नहीं जाएंगे, आप उससे बड़े हैं। भगवान जाते दाऊ जी जाएंगे तो काली नाग को बचाएंगे, दाऊ जी को बोलो शीर्ष नाग है, और कोई भी व्यक्ति है अपनी जाति वाले को अपने परिवार वाले का सपोर्ट करता ही है भले ही गलत हो। तो भगवान ने क्या किया, भगवान आज दाऊ जी को नहीं ले गए, गए क्रिकेट खेले भगवान, और भगवान ने श्रीराम की वाल को मारा, चली गई काली नहीं में,
बोला मेरी वही कॉल चाहिए, मेरी वही गेट चाहिए, मेरी वही गेट। भगवान बोले भैया नहीं ला सकते, बोला नहीं मुझे मेरी वही गेट चाहिए। तो भगवान ने कहा जाता हूँ लेकर आऊंगा, और भगवान एक गेट में चढ़े और भगवान ने वहां से छलांग लगा दी। जय जय श्री राधे, कूद गए भगवान। और जैसे ही भगवान यहाँ कूदे, माँ मैया के हाथ से निवाला छूट गया। माँ जान गई मेरे बेटे के जीवन में कुछ कष्ट है। अंदर गए भगवान और भगवान ने पानी में गिलोल किया। काली नाग बोला भैया कौन आ गया मेरे इस गहरीले जल में? बोले महाराज ये सुंदर बालक आया, बड़ा सुंदर है, लगता है देखते ही नहीं। और यहाँ सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए, भैया यशोदा नंद बाबा ग्वालवाल सब मूर्छित होकर गिर पड़े। अब काली नाग आया, भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। भयंकर युद्ध हुआ दोनों का। भगवान को पहले वो जकड़ लिया और प्रभु ने क्या किया, भगवान ने उसको बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया। और प्रभु ने उसके सिर पर क्या किए, जो जो फन ऊपर उठाता है अहंकार में आकर, भगवान उसके ऊपर चरण प्रहार करते हैं। तांडव गति मुंडन पे नाच जगनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाच जगनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाच जगनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाच जगनवारी। जो जो दिन खाता है, जो जो दिन खाता है भगवान दबा देते हैं पैरों से। भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण और भगवान शंकर सबसे बड़े नाचने वाले यही है, नचाते भी हैं यही और नाचते भी हैं, खूब नृत्य किए। ऐसा लगा जैसे भगवान नाचते हैं ना तो खून की धार निकल आती, ऐसा लगता है मानो भगवान के चरणों में कोई गुलाब का फूल चढ़ा दिया हो। जब वो परास्त हो गया, बेहोश होने लगा, तो पत्नियां आ गई। अब क्या बोली, न्यायो जीतो सुदाम अवतुल्य दृष्टि। हे प्रभु बड़ी कृपा कर दी, आज हमारे पतिदेव के सिर पे आपने वो पैर रख दिए जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तरसते हैं। हजारों लाखों साल तपस्या करने के बाद भी आपके चरण नहीं मिलते, पर हमारे पति को देखिए कितने भाग्यवान है, आपने स्वयं आकर के अनुग्रह कर दिया, कृपा कर दिया, हमारे पतिदेव के सिर पर आपने नाच दिया, ये तो आपने कृपा कर दी ना। भगवान मुस्कुरा गए, बोले देवियां आप तो बड़ी अच्छी हैं, ये आपका पति क्रूर है, दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, मेरे भक्तों को परेशान करता, आपने इससे शादी कैसे कर ली, आप बड़ी अच्छी हैं, आपका पति बड़ा दुष्ट है। देवियां बोलती प्रभु हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बोली सारे से जल्दी प्रणाम करो, नहीं तो नाचना शुरू कर देंगे। तो जाकर के प्रणाम किया,
और बोला प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पर आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ। भगवान बोले पूछो। भवानी कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। आप प्रभु पूरी दुनिया बनाते हैं, साप को भी आपने ही बनाया होगा, जहर भी आपने ही दिया होगा हमारे अंदर, क्रोध भी आपने ही दिया होगा। जब पूरी दुनिया के मालिक आप हैं, सब कुछ आप ही करते हैं, फिर हमें क्यों मारते हैं? हम तो सांप है ना, हमारे अंदर आपने विष दिया तो इसी देंगे ना। जो जिसके पास होता वही तो देता है, जिसके पास प्रेम होगा प्रेम लेगा, मीठी वाणी होगी मीठी वाणी देगा, कोई गाली देता उसके अंदर गाली है तब तो दिया ना, कोई अपमान करता मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अपमान भरा होगा। हम जो देते हैं वही हमारे भीतर होता, अथवा तो जो हमारे भीतर है वही हम बाहर निकालते हैं। तो बोला प्रभु मैं तो मेरे अंदर जहर जहर ही दूंगा ना। भगवान बोले जाओ मेरे ब्रजवासियों को परेशान मत करना, यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीप चले जाओ। बोले आपका करुण मुझे मारेगा। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, मेरे चरण चिन्ह सांप के ऊपर नाक के ऊपर होकर यू आकार का चंदन जो है तिलक, भगवान के चरण वही है। जाओ और कहते भगवान को लेकर आया और वहां से चला गया। सारे ब्रजवासी पूछा से बाहर आ गए क्योंकि पूरे फल वहां के वृक्ष जहरीले हो गए। भगवान ने आग लगा दी और भगवान ने स्वयं अग्नि का पान कर लिया। दावागम परिवार, भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। सुदेव जी कहते हैं राजन परमात्मा बड़े दयालु कृपालु हैं। भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो जैसे हमारे आपके जीवन में कष्ट आ जाए ना, तो हमसे ज्यादा दुखी हमारे भगवान हो जाते हैं। भगवान का नियम ये है कि मेरा भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारने वाला हो, मेरे लिए समय देने वाला हो, मेरे लिए संपत्ति देने वाला हो, मुझे अपना मानने वाला हो, तब हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आता तो हमारे भगवान हमसे ज्यादा दुखी हो जाते। जय जय श्री राम। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन प्रभु की उम्र अब 5.5 साल है और प्रभु ने चीर हरण की लीला की। गोपियां क्या करती है, सुबह सुबह स्नान करती है, कार्तिक महीने में कात्यायनी मैया का पूजन करती है, लेकिन नियम गलत है उनका, निर्वस्त्र होकर स्नान करती है। भगवान ने समझाया देवियों ऐसा मत करो, नहीं मानी तो भगवान ने क्या किया, चीर हरण कर लिया, यानी वस्त्रों को भगवान ने चुरा लिया। और जब देवियों ने मांगा गोपियों ने मांगा तो भगवान ने समझाया और एक एक करके भगवान ने सबके वस्त्र दे दिए। वस्त्र कहते हैं अविद्या को, अविद्या माने क्या होता है, ना समझी, जो ना समझ व्यक्ति होगा वही गलत काम करेगा। तो भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्र चुराए और जब गोपियों को ये ग्लानी हो गई, मन में आया कि हम गलत कर रही थी, तो भगवान ने दे दिया। सारी गोपियों ने भगवान को प्रणाम किए और गोपियां इस मंत्र का जाप करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुन्ते नमः। हे कात्यायनी मैया, हमको पति मिले तो भगवान कृष्ण मिले, अथवा तो भगवान कृष्ण जैसा पराक्रमी उनके जैसा स्वभाव वाला पति हमको मिले। आज भी वृंदावन जाएंगे तो कात्यायनी पीठ बना है, कात्यायनी माता के दर्शन बड़े दुर्लभ है वृंदावन में। वही कात्यायनी मैया उस समय की भगवान वाली गोपियों वाली, और भगवान सबको आशीर्वाद देकर चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन प्रभु की उम्र इस समय केवल 5.5 साल है और भगवान ने जो वस्त्र चुराए थे अविद्या रूपी है, गोपियां ने गोपियां मांगी तो भगवान दे दिए और ठाकुर जी वहां से चले गए। जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं राजा आज परमात्मा जैसे ही सोकर के उठे तो मैया क्या करती, 56 प्रकार के भोग बना रही हैं, कचौड़ी पकौड़ी पूड़ी कढ़ी चावल रोटी खीर सब कुछ बना रही हैं। क्यों बना रही है, कन्हैया बोले मैया मुझको एक पकौड़ी दे दे कचौड़ी दे दे। मैया बोले नाना कन्हैया दूर 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 आज हमारे यहाँ जो भोजन बन रहा है जो प्रसाद बन रहा है जय जय के ताई पर, जय जय बने भगवान के लिए बन रहा है। क्यों, अरे बेटा हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं तो 56 भोग लगाते हैं। क्यों करती है, क्योंकि इंद्र बारिश करते हैं पानी गिराते हैं, उससे घास होती है, उससे घास होती है तो हमारी गाय उसको खाती है, दूध होता है फिर मक्खन बनता है बिकता है, हमारे घर में पैसे जाते हैं, हमारी रोटी जो है ना वहीं से चलती है,
इसलिए हम इंद्र की साल में एक बार पूजा करते हैं। तो भगवान कहते मैया आप लोग बड़े सीधे हैं, बड़े भोले वाले हैं। अरे इंद्र का काम है पानी गिराना, इंद्र का काम ही इनकी ड्यूटी है पानी गिराना, उनका नियम है। आपको पूजा ही करना है तो घास तो हमारी होगी धरती में, और धरती के ऊपर रहते गोवर्धन नाथ भगवान, उस पहाड़ की पूजा करिए ना जहाँ पे घास होती है। जो पानी गिराता है उसका काम है पानी गिराना। सूर्य भगवान रोशनी दे रहे, ब्रह्मा जल देते हैं, इंद्र भी की पूजा हम लोग करते हैं। यज्ञ में यहाँ जो पूजा चल रही है इंद्र भगवान का आह्वान हुआ है, पर अलग से कोई बोले कि मैं आपके लिए, मतलब अलग से मांगना मतलब रिश्वत, जैसे कोई अधिकारी सैलरी तो पाता है अपने महीने में, अब आप कोई काम कराने जाओ तो बोले मेरे को 10,000 रुपए दो, 1,00,000 रुपए दो, तब आपको एक काम करूंगा। तो भगवान ने दुनिया में पहली बार, सबसे पहली बार भगवान ने घूस का, रिश्वत का भगवान ने विरोध किया कि अलग से किसी को मत दो। इंद्र की ड्यूटी है पानी गिराना, इंद्र का कर्म है, इंद्र को भगवान ने नियुक्त किया है ब्रह्मा जी ने कि आप इंद्र है राजा है, आप पानी गिराइए। पानी गिराना काम हो उनका। बोले भैया तू ऐसी बात मत कर, नंद बाबा से बोले बाबा ऐसी बात मत करो, आप पूजा करना है गोवर्धन की करो। बोले इंद्र हमको छोड़ेंगे नहीं, बोले हमारे भगवान गोवर्धन नाथ बचा लेंगे। और गोवर्धन भगवान जो है ना उनके लिए सारे ब्रजवासी राजी हो गए। बोले एक नियम है हमारी, एक शर्त है, तुम्हारे भगवान को हमारे सामने प्रकट होकर भोजन करना पड़ेगा। बोले ठीक है, और यदि इंद्र ने कुछ उत्पात किया तो बचाना भी होगा। भगवान बोले ठीक है, भगवान गोवर्धन के बहाने स्वयं अपनी पूजा कराना चाहते हैं। और कहते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, पहाड़ नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, नदी नहीं होगी, पृथ्वी नहीं होगी, तो हमारा जीवन जीना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए पहाड़ जो है ना प्रकृति जो वही परमात्मा है। जय जय श्री राम। सारे ब्रजवासी सारे ग्वालवाल अपने अपने घर से छप्पन भोग बनाए, और छप्पन भोग को बांस की टोकनी में बड़े बड़े उसमें रखे, पत्थर रखे, और बैलगाड़ियों में रख करके गोवर्धन की ओर जाने लगे। जय जय गोवर्धन नाथ। गोवर्धन नाथ कलयुग में ऐसे देवता हैं, यदि सच्चे मन से उनकी परिक्रमा की जाए वहां दर्शन किया जाए तो हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही गोवर्धन नाथ सब लोग पहुंच गए, ब्राह्मण पहुंच गए, स्कंदिनी मुनि पहुंचे, और विधिवत पहले पूजन हुआ, स्नान करवाए, तो स्नान में भगवान का पैर भी नहीं गीला हुआ, तो भगवान ने गंगा महारानी को बुला लिया। बोली महान सी गंगा महारानी की, गंगा स्वयं प्रकट हो गई। गंगा प्रकट हो गई, फिर क्या हुआ, सबने स्नान करवाया, 1650 में विधिवत पूजन हुआ। देखिए जो यजमान जी है हमारे, वह जल्दी से जल्दी आए गंगा जी का पूजन करें, ये यजमान बड़ी बात है। बाकी सभी बारी बारी से पूजन कर सकते हैं ठाकुर जी का, कोई भी ऐसा कुछ ना रखे। जय जय श्री राम। सब लोग मिलकर के ब्रजवासी गोवर्धन नाथ का, गोपाल जी का पूजन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी उसी पूजन में, आप लोग पूजन करते रहे, भजन में चलते, भजन के बाद पूजन होगा, इसके बाद आरती, बस 10 मिनट और चलिए। तो आइए चलते गोवर्धन नाथ चरणों में। कोई हटा रहा हूँ। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। देखिए कोई भी संकोच ना करे, सभी ठीक है, आइए सभी बारी बारी से पूजन कर लो। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। मेरे वीर
Thank you.
देखिए ये पीछे भाई लोग बैठे हुए हैं और इधर हमारे कुर्सी पर जो बाबूजी लोग बैठे हुए हैं ये भी पूजन कर सकते हैं। आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बड़े भाग्य की बात है आपके यहाँ भागवत भगवान का इतना भव्य आयोजन जो हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। लास्ट में कर ले
सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, उसके बाद आरती तो है ही है। आरती के बाद थोड़ा खुलेगा शरीर। देखिए आपके यहाँ पर बड़ा सुंदर जो कथा का दर्शन हो रहा है भारत जी के द्वारा, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बहुत भाग्य की बात है। आज बिरला जी